अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख जवार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हम्द व सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद। कैप्रिकॉर्न वीकली होरोस्कोप 23rd to 29th February, आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा? जैसे कि आपका मेरा तारुफ एक एस्ट्रोलॉजर के साथ साथ एक स्पिरिचुअल कंसल्टेंट का, एक जेम थेरापिस्ट का, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं तमाम हफ्ते की प्लानिंग आपको देता हूँ। हर हफ्ते आपके साथ मुलाकात होती है कि आप ये अपना हफ्ता कैसे बेहतर गुजार सकते हैं, किन किन चीज़ों से आपको बचने और किन चीज़ों पे आपके लिए जो है कुदरत ने दरवाजे खोले और उनको आपने अवेल करना है। मार्स बहुत अच्छी पोजीशन में, आपके असेंडेंट में, मरकरी कंबस्ट में, रेट्रोग्रेड डबलेटेड यानी रिजत अतारद हबू, तीन चीज़ें इकट्ठी आपके ऊपर क्या साथ मुरतब करेगा इसके बारे बात करेंगे। सन आपके खाना माल को छोड़ के जो है वो तीसरे बैतुल अकरबा में चला गया, वबाल ख़त्म हुआ इसका, आपके ऊपर इसके असरात क्या होंगे ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि इस चैनल पे दोबारा आपको आना चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन ज़रूर पुश कर लीजिएगा ताकि बर वक्त आपको तमाम वीडियोस मिलती रहें और ये वीडियो अपने दोस्त सब आपके साथ जरूर शेयर कर लिया करें। ये आपकी तरफ से एक कार्य खैर है, मुझे तो इसका फ़ायदा ही होगा ही होगा, आपको भी इसके बहुत सारे फ़वाद जो है वो मिलते चले जाएँगे। सबसे पहले आपका फर्स्ट हाउस, आपका अपना रूलिंग प्लैनेट सैटर्न, जैसे कि मैंने पिछली बार भी बताया था कि बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में जो है वो आपके जायचे के ये फर्स्ट हाउस में खड़ा है। सन की वो गुजर गया, ये सारी चीज़ें पुरानी हो गई, आपकी स्ट्रेंथ को डे बाई डे ये बढ़ा रहा है, आप में पॉजिटिव चेंज आता जा रहा है, अब आप में काम करने की अहलियत और भी बढ़ जाएगी चूँकि मार्स जो है वो यहाँ पर आ चुका है। सैटर्न जो है ये जोद मुसलसल को शो करता है, यानी रेगुलर बेसिस पे कोई काम करते रहना करते रहना करते रहना, और मार्स अब आपको जो है उसमें एनर्जी देगा, आपको पॉजिटिविटी देगा। मार्स जो कि आपके 11th हाउस का जो है वो लॉर्ड है, अब आपकी इंटरेस्ट भी उसमें शामिल हो जाएगी, आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक आपका काम रन करना शुरू करेगा और आप अपनी पर्सनैलिटी पे पिछले दिनों जो बहुत ज़्यादा दबाव महसूस कर रहे थे वो अब ख़त्म होता चला जाएगा। मार्स चूँकि आपके 12वें घर में था तो लाशोरी तौर पे आप जो है वो चाह रहे थे वो हो नहीं रहा था, इस बारे में आप काफ़ी वरीड थे, लेकिन अब ये परेशानी जो है वो दूर होती चली जाएगी। मार्स यानी कि मरीख, ये आपके जायचे के 11वें ख्वाहिशात और 4थे घर प्रॉपर्टी, घर का माहौल, आपकी सवारी और आपकी वलदा से मुतालिक है, ख़ानदान के अफराद से मुतालिक है, और इसका आपके ताले में शफियाब होना यानी दूसरे लफ्ज़ों में आपके दोस्त अहबाब का आप पे पूरी तरह मेहरबान होना, कुदरत आप पे खुद भी बहुत मेहरबान है, 11वें घर का हाकिम है, ख्वाहिशात की तकमील करेगा, आपने जो गोल सेट किए हुए थे अब उसके ऊपर आप पूरी तरह से अमल पैरा होंगे, बेहतरीन आपके लिए जो है वो ये पोजीशन जो है वो बनी हुई है। घर की तब्दीली, सवारी की तब्दीली, प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त, घर का माहौल और घर में कोई वर्किंग जो है वो, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत फिजिबल होती चली जाएंगी, आसान होती चली जाएंगी, आपकी कुव्वत इरादी में जो है वो इजाफा होगा और आपके काम करने की अहलियत भी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। 11वें घर का हाकिम जब असेंडेंट में आता है तो ख्वाहिशात की तकमील करवाता है, दोस्त अहबाब से पूरा आपको जो है वो बेनिफिट दिलवाता है, ये सब चीज़ें इंतहाई बेहतरीन उस वक्त और हो जाती हैं जब आपकी सोशल लाइफ एक्टिवेट होती है और आप उसको पॉजिटिवली यूटिलाइज़ करते हैं, तो अब ये उनको उस चीज़ों को यूटिलाइज़ करने का वक्त जो है वो स्टार्ट हो चुका। आपके खाना माल का हाकिम सियारा यही सियारा जुहल है जो आपके असेंडेंट में मौजूद है, आपका अपना साइन लॉर्ड है, तो दो जो स्टोन्स हैं वो इस वक्त आपको बहुत बेनिफिट दे सकते हैं। सबसे पहले आपका अपना रूलिंग प्लैनेट से मुतलका नीलम, ब्लू सफायर वेयर करना अपना मामूल बना लीजिए, ये अब आपको बहुत कुछ देगा और अगले दिनों में जो अगले में आने वाला है उसमें कुछ चीज़ें नेगेटिव होंगी उससे भी आपको बचाएगा, तो इस वक्त उसमें आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट होप्स हो के अगले चंद महीने में ही आपकी ये पूरी होती चली जाएगी, और इस वक्त आपको ये जो स्ट्रेंथ मिल रही है ये मार्स की वजह से, तो इसके लिए आप वक्ती तौर पे अगर मरजान पहनना चाहें तो ये आपके लिए और भी अच्छा होगा, आपकी लक में इजाफा होगा और जो आपकी प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ के मैटर्स हैं वो बेहतर होंगे, पर्सनली ट्रेड जो है वो स्ट्रॉन्ग होके आएगी।
लेकिन मार्स आपको थोड़ा सा अग्रेसिव भी करेगा, इसको भी आपने फोकस करना है। आपने कॉन्फिडेंट आपको जो है वो जो मिल रहा है उसको ओवर होने से बचाना है। ओवर लफ्ज़ जो है यह चीज़ में नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, सो बी केयरफुल। आपके समाजी ताल्लुकात का हाकिम सियारा मुश्तरी, ये अच्छी पोजीशन में नहीं, आपके ताले में आपको पता है, लेकिन सन आया है आपके बैतुल अकरबा में, सन जो कि आपके एट्थ हाउस का लॉर्ड है। अब इस ये जब तीसरे में आया है तो ये आपको दो तीन फायदे देगा। अगर आपके प्रॉपर्टी से मुतल्लिक, विरासती मामला से मुतल्लिक कोई मैटर्स थे उसको हल कर देगा। इसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन जो है वो बढ़ा देगा, आपकी सोशल लाइफ को काफ़ी ज़्यादा एक्टिव कर देगा। तीसरा घर आपके नेबर्स का भी है, आपके नज़दीकी सफ़र्स का है, शॉर्ट जो ट्रैवलिंग है ये आपकी बढ़ेगी, नेबर्स आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे इंशाल्लाह। और थोड़ा सा कम्युनिकेशन आपने उनके साथ एहतियात से करनी, क्योंकि मरकरी भी यहीं मौजूद है, मरकरी की रिजत उनके मिजाज में नेगेटिविटी और कुछ नेगेटिव स्पीच, हेट स्पीच भी आ सकती हैं, लेकिन सन जो है वो आपका वो स्ट्रॉन्ग और आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जो है वो आपको डोमिनेटेड करेगी, आपको उनके ऊपर हावी होने का पूरा मामला जो है वो आपका एक्टिव रहेगा। ये एक अच्छी पोजिशन है सन की जो कि आपको जो है मिल चुकी। आपने इस मामले को बड़ी एहतियात के साथ लेके चलना है और इससे पूरा जो है वो अपनी चीज़ों को लेके चलना है। देखें सम टाइम ऐसा होता है कि ज़माना आपके साथ नहीं होता, लेकिन जो बैक एंड पे बैठा परवरदिगार है वो आपके साथ होता है। तो इस वक्त यही पोजीशन आपकी बनी हुई है, बहन भाई यूज़ के साथ कुछ कम्युनिकेशन का गैप भी आएगा, लेकिन आपको परवरदिगार ने जो स्ट्रेंथ दी है उसको यूज़ करते हुए आप आसानी के साथ यहाँ से निकल जाएंगे। आपके पाँचवां घर, आपकी औलाद, आपके बच्चे, आपके लव मैटर्स, आपकी अफेयर्स जिसको हम कह सकते हैं, इसके अलावा आपकी नामी स्कीमों में पार्टिसिपेशन, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बेहतर पोजीशन में नहीं चल रही, क्योंकि वीनस आपका जो है वो नेगेटिव है। घर में बच्चों की वजह से आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, उनकी वजह से घर का माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब, बस माइनर सा डिस्टर्ब होगा। आप इसको बेहतर करना चाहते हैं तो 600 ग्राम चीनी जुमे वाले दिन सदका दीजिए और परवरदिगार की अमान हासिल कीजिए। ये थोड़ा सा आपका जो सदका है वो बहुत बड़ा गेन आपके लिए साबित होगा। आपकी मंगनी जो है वो टूटने से बच जाएगी इंशाल्लाह इसी सदके की बदौलत, और बच्चों के साथ आपके ताल्लुक जो है वो बेहतर होते चले जाएंगे। इनामी स्कीमों में हिस्सा लेना इस वक्त आपके लिए जो है वो बेहतर नहीं है। कैप्रिकॉर्न्स के खवातीन के लिए स्पेशली कहूँगा कि आपको जो है बहुत एहतियात करनी है, अगर प्रेगनेंसी है तो फिर बी केयरफुल। आपका छठा घर, इसका हाकिम सियारा वही अतारद, ये आपके छठे और नौवें घर का हाकिम है। छठा घर आपकी सेहत है, आपकी जॉब है, आपके मुलाजमत के साथ साथ आपके मुलाजमीन भी हैं। नौवां घर आपके स्पिरिचुअलिज्म है, आपकी जो जिसको हम कहते हैं बैरूनी मुल्क सफ़र है, वीज़ा अप्लाई करना है आपका, ये भी नवे घर से होता है। इसके अलावा जो आपके स्पिरिचुअलिटी है वो आप कहीं ज़्यारत मुकदसा पे जाना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करना चाहते हैं, उम्रा की सादत हासिल करना चाहते हैं, तो इसमें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ेगी, स्पेशली कोई डॉक्यूमेंटेशन की शक्ल में और एजुकेशन, अगर हायर एजुकेशन आप ले रहे हैं तो उसकी शक्ल में, स्पिरिचुअल मामलात की शक्ल में, यहाँ पे आपको एहतियात के साथ अपने मामलात को लेके चल रहे हैं। ये सेक्शन आपका अच्छा नहीं है। आपके दोनों जो जीजो कर्ब हैं, चाहे वो आपके अपने हैं चाहे आपके ससुराल की तरफ से हैं, इनके साथ कम्युनिकेशन के हवाले से आपको बेहद एहतियात के साथ चलना है। कारोबार, रोज़गार, आपके जो मैटर्स हैं, आपके बिज़नेस मैटर्स हैं, उन चीज़ों को भी स्लो स्पीड में लेके चलना ही जो है वो बेहतर होगा। इसको फास्ट ट्रैक पे लेके चलना या अपनी होप्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाना ये बेहतर नहीं होगा। हाँ, जो आपने पिछले स्टेप में लिए थे जबकि वीनस बहुत अच्छा चल रहा था, पाइसिस में शर्फ के घर में था, तो उसके लिए आपको उसके रिजल्ट्स आपको जो है वो मिलते चले जाएंगे, लेकिन नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना वो बेहतर नहीं होगा। या आपके समझ लीजिए कि आपका सीनियर इस वक्त आपका साथ नहीं दे पाएगा। मज़ीद ये कि आपके ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट जो कि नई हो, बिल्कुल बिगिनिंग में हो, या आप अपने एक बिज़नेस में कुछ चेंज करना चाहते हो, नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो उसके लिए हालात साजगार नहीं है। उसके लिए इंशाल्लाह परवरदिगार ने मेहरबानी की तो अगले हफ्ते मैं आपको कुछ गुड न्यूज़ दूंगा। इस हफ्ते कम अज़ कम आपको जो है इस मामले को ब्रेक करना है। आपके दोस्त अहबाब आपके लिए भरपूर तावन कर रहे हैं, लक आपकी अरूज पे है, आपके गोल्स जो हैं वो अचीव होते चले जाएंगे आपके लिए, और ये समझ लीजिए कि ये कुदरत का एक ख़ास आपके ऊपर जो है वो इनाम है।
आपकी सोशल लाइफ काफ़ी से ज़्यादा अब एक्टिव होती हुई नज़र आ रही है। इमिग्रेशन के लिए माहौल जो है वो आपके लिए बेहतर नहीं है। जो पहले से मुकीम है वहाँ पे लोग, उनको भी वक्तन वापसी की राह देखना पड़ सकती है। आपके लिए यहाँ पे हालात जो है नामुसाइद होंगे। सरस्वती के बहरानी दौर में मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त आपकी पोजिशन चल रही है उसमें ये हफ्ता आपके लिए एक नेमत है परवरदिगार की तरफ से। इसको बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ कीजिएगा, इन मालूमात की रोशनी में इसको बेहतर बनाने की कोशिश कीजिएगा, और अगर आप इससे मुस्तफ़ीद हों किसी एक बात से भी तो मुझे और मेरी मीडिया टीम को अपनी दुआ में यूँ ज़रूर याद कीजिएगा। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके लिए हैं। एंड पे एक बार फिर कहूँगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन ज़रूर पुश कर लीजिएगा ताकि बर वक्त आपको तमाम वीडियोज़ मिलती रहें। और ये वीडियो अपने दोस्त अहबाब फैमिलीज़ के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, ये आपका अपना चैनल है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।